Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. This is the thought of Albert Einstein. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by The Study Take. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirant who are preparing for competitive exams. वीडियो के स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं बता दूं कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारे रेलेवेंट पॉइंट्स मिलेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक्स, सो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको रेलेवेंट लगे कंटेंट तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए हम डिस्कस करते हैं, अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि कल के दिन हम लोग 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए, किसका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी। एंड कल के दिन ही इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया कि वी विल सेलिब्रेट 23rd ऑफ जनवरी एवरी ईयर एज अ पराक्रम दिवस टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का आज कल के दिन बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया कि हम लोग 23rd ऑफ जनवरी एवरी ईयर को मनाएंगे पराक्रम दिवस के तौर पर, किसके लिए, टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, कॉमेमोरेट करने के लिए बर्थ एनिवर्सरी किसका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ही इज वन ऑफ द वेरी मैग्निफिकेंट लीडर, यू विल सी, यू विल अमेज टू नो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हिम। And this year, 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji was born on January 23, 1897. Okay, this year was the 125th birth anniversary and he was born on 23rd of January, 1897. The day is celebrated to honor and remember Netaji's indomitable spirit and selfless service to the nation. अब ये indomitable क्या होता है? Impossible to defeat. इसका मतलब क्या हो गया? Impossible to defeat, ठीक है, जिसको बहुत ही मुश्किल है हराना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुत ही मुश्किल है हराना। इनका स्पिरिट बहुत ही अच्छा स्पिरिट था और ही हैव अ सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। ओके, सो इनकी याद में हम लोग इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन पराक्रम दिवस को मनाएंगे एज 23rd ऑफ जनवरी एवरी ईयर। और इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd ऑफ जनवरी 1897 इन कटक उड़ीसा, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ। ही एक्वायर्ड अ डिग्री इन फिलोसफी, फिलोसफी से इन्होंने डिग्री एक्वायर्ड किया। और ही वॉज लेटर सेलेक्टेड फॉर ICS, दैट इज इंडियन सिविल सर्विस में इनका लेटर सिलेक्शन हुआ, बट इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में ये काम करे, इसलिए इन्होंने ज्वाइन नहीं किया इंडियन सिविल सर्विस को। लेटर ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921, मतलब कि जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया ज्वाइनिंग से, तो 1921 में जाकर इन्होंने INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, दैट इज स्वराज, स्वराज नाम का इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बहुत फेमस थी ये बुक, दैट्स ऑल अबाउट द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल नाम की एक बुक है ये इनके नाम पे, ठीक है। और इस बुक में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे बिटवीन द एरा ऑफ 1920 एंड 1942, ठीक है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट ज्यादातर आपको इन दो डेट्स के बीच में ही मिलेंगे, ठीक है, 1920 से लेकर 1942 के बीच में आप देखिएगा तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सो इस बुक में वो सारी चीजें कवर की हुई है, तो ये बहुत अच्छी बुक है आपके लिए। So I personally suggest you to read this book, that the Indian struggle, which has been written by Netaji Subhash Chandra Bose. Okay, he has also given the Jai Hind ka nara इन्होंने दिया था, Netaji Subhash Chandra Bose जी का यह नारा है Jai Hind का। Okay, and also that तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, give me blood and I will give you freedom. He also give this slogan to awake the country towards fighting against the British. कंट्री को इन्होंने अवेक किया फाइट करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ, तो उन्होंने उस टाइम पे ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। सो दिस स्लोगन वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम।
और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, ठीक है। सो वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको भी आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है, एज अ नोट के तौर पे। ही वॉज प्रेजेंट इन 1925 में प्रेजेंट किया गया, इनको जेल में डाला गया, किस लिए? फॉर हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए उनको जेल में डाला गया था ब्रिटिशर के द्वारा। और 1927 में, 2 साल के बाद इनको रिलीज कर दिया गया। आफ्टर हिज रिलीज ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ INC, INC के ये जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, ओके। और ही फॉर्म्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स, इन्होंने पूरे इंडिया में फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाए थे एज अ पार्ट ऑफ INC का पार्ट में, कब? 1939 में। आपको पता है एक चीज और स्टार्ट हुआ था, इट वॉज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, स्टार्टिंग स्टेज था ये कोल्ड वॉर का, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग स्टेज था, ओके। सो नेताजी प्रोटेस्टेड द ब्रिटिश राज फॉर नॉट कंसल्टिंग द इंडियन बिफोर पुलिंग देम इनटू वॉर, ठीक है। जब ये सेकेंड टाइम वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से स्टार्ट हुआ था, इस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक और प्रोटेस्ट निकाला अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, ठीक है, ब्रिटिशर के खिलाफ उन्होंने एक और प्रोटेस्ट निकाला कि आप लोग इंडियन से पूछते नहीं हो, इंडियन का कंसल्ट नहीं लेते हो और उनको ऐसी वॉर में घसीटते रहते हो, ठीक है। सो इसके लिए उनको फिर से एक बार अरेस्ट किया गया फॉर हिज प्रोटेस्ट एंड ही वॉज लेटर रिलीज कर दिया गया उनको बाद में, और ही वॉज केप्ट अंडर सर्विलियंस, ठीक है, उनको अंडर सर्विलियंस में रख दिया गया, ओके। सो ही हैड वेरी ही वॉज वेरी प्रीडोमिनेंट, उन्होंने बहुत अच्छे नेचर से, बहुत ही अच्छे दिमाग से उन्होंने खेल खेला, ओके। एंड आफ्टर दैट ही वॉज 1941 में आप देखेंगे कि बोस एस्केप टू जर्मनी, वो जर्मनी चले गए वाया अफगानिस्तान एंड सोवियत यूनियन, ओके। जर्मनी में उन्होंने क्या किया, जर्मनी में जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेट जर्मन लीडर्स से और कुछ अदर इंडियन स्टूडेंट्स थे उनसे, और यूरोपियन पॉलिटिकल लीडर्स से उन्होंने मेल मिलाप किया वहां पर, ठीक है, और कुछ बहुत सारे कंसल्टेशन पे, बहुत सारी टॉपिक्स पे उन्होंने डिस्कशन किया। आफ्टर दैट ही बिल्ट अ फोर्स, उन्होंने एक फोर्स बनाया जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, हम लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, गिविंग अ स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो का नारा भी इनके द्वारा ही दिया गया था। और एट दैट टाइम थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स ऑफ 60,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी सैक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्री, मतलब कि 60,000 के आसपास की उनकी आर्मी थी, उसमें से बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हु सैक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, ओके। द इंडियन नेशनल आर्मी सपोर्टेड द जापानी आर्मी इन द इन्वेजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। कुछ इंडियन नेशनल आर्मी में से, इंडियन नेशनल आर्मी जो कि बिल्ड किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, वो जापानीज आर्मी को भी सपोर्ट किए थे फॉर देयर इन्वेजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड दे टुगेदर टू कंट्रोल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, दोनों ने मिलकर बाद में क्या किया, जाके कंट्रोल ले लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, ठीक है। सो ही वॉज हैविंग अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर आर इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, ठीक है। इनका स्ट्रगल बहुत ही कम शब्दों में मैं बताऊं तो छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है ये, ठीक है। ही वॉज अ वेरी ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, सो इसलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप एज अ नोट के तौर पर लिख लीजिए कि 23rd of January वी विल सेलिब्रेट पराक्रम दिवस एवरी ईयर टू कमेमोरेट द ब्रिटिश एनिवर्सरी, सॉरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ओके, ब्रिटिश नॉट बर्थ एनिवर्सरी, बाय मिस्टेक आई मेड द मिस्टेक, ओके। सो नाउ मूव ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, प्रोग्राम लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी, ओके। दिस इज अगेन द न्यू प्रोग्राम विच हैज बीन लॉन्च बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, ओके। लेट्स सी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज रिलेटेड टू इट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोग्राम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया गया, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, ये लॉन्च किया गया, इस प्रोग्राम का नाम है ये, इसको लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। द नेशनल लेवल ऑफ प्रोग्राम इंक्लूड 7-year लॉन्ग इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बाय ब्रह्मा कुमारीज, ओके। दिस इज द प्रोग्राम, इट्स अ नेशनल लेवल प्रोग्राम विच इंक्लूड 7-year लॉन्ग इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव
by Brahma Kumaris. ओके वेरियस मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, बहुत सारी मिनिस्ट्री आई थी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया. मोर देन 30 कैंपेन्स एंड ओवर 15,000 प्रोग्राम्स एंड इवेंट विल बी कंडक्टेड अंडर दीज इनिशिएटिव्स बाय द ब्रह्मा कुमारीज. ओके लगभग 30 से भी ज्यादा कैंपेन और 15,000 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स और इवेंट को कंडक्ट कराया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव बाय ब्रह्मा कुमारीज. Brahma Kumaris is organizing the events on the occasion of 53rd accession anniversary of Pitashri Prajapita Brahma, founding father of Brahma Kumaris. Okay, Brahma Kumaris क्या है एक और ये क्या करेगा, एक organize कराएगा event का, ठीक है, event organize कराएगा on the occasion of 53rd accession anniversary of Pitashri Prajapati Brahma, who was the founding father of Brahma Kumaris. ओके सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके मैं सात आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, 7 इनिशिएटिव्स बताऊंगा ब्रह्मा कुमारीज के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए. आप एक 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 करके आप लिख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट. ओके पहला क्या है, माय इंडिया हेल्दी इंडिया, माय इंडिया हेल्दी इंडिया. दूसरा आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट फार्मर्स. तीसरा वोमेन फ्लैग बियर्स ऑफ इंडिया. तीसरा पावर ऑफ पीस बस कैंपेन. चौथा अंधेक भारत साइकिल रैली. पांचवा यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक कैंपेन. छठा सॉरी एक दो तीन चार पांच छह सातवा सातवा ग्रीन इनिशिएटिव्स अंडर स्वच्छ भारत अभियान. ओके सो दीज सेवन इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो यू शुड रिमेंबर एंड आई इंश्योर कि यू आर मेकिंग द नोट्स ऑफ इट. आप इसका नोट्स बना रहे हो, मैं इंश्योर करता हूँ. ओके और अदरवाइज इफ यू आर नॉट मेकिंग द नोट्स प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट और यू रिमेंबर दिस. ओके इट विल बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम योर एग्जाम इन योर एग्जाम. ओके सो आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इज अ इनिशिएटिव्स विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे डिस्कशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इनिशिएटेड द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑप्शन बता देता हूँ, ए यूएसए, बी यूके, सी इंडिया, डी चाइना. ओके आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइज, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इंडिया के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ. इंडिया अनाउंस द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट यूएन क्लाइमेट समिट इन न्यूयॉर्क 2019. ठीक है, इस इनिशिएटिव्स को इंडिया ने अनाउंस किया था और ये क्या है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कहाँ अनाउंस किया गया था, यूएन क्लाइमेट समिट एक्शन समिट में, कहाँ, जो न्यूयॉर्क में हेल्ड हुआ था 2019 में. ठीक है, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट कब हुआ था, 2019, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, और वहीं पर इंडिया के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके रिसेंटली मैं आपको बता दूंगा इसके जो एनडीआरएफ है उन्होंने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था. दिस वॉज द 17th रेजिंग डे. ओके एंड यू विल सी गाइज की ऑन 19th ऑफ जनवरी वी सेलिब्रेट द रेजिंग डे ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. ओके इट वॉज फॉर्म्ड ऑन इन 2006 को ये फॉर्म हुआ था. ओके सो एनडीआरएफ फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, एनडीआरएफ किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है. सो दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट कि ये पहली बात तो न्यूयॉर्क समिट में हुआ, न्यूयॉर्क समिट में हुआ था 2019 में, इसको लाया गया था इंडिया के द्वारा. सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच इंडियन स्टेट हैज जॉइंट हैंड्स विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर. ठीक है, किस इंडियन स्टेट ने रिसेंटली ज्वाइन किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी टू फार्मर्स. ऑप्शन बता दो, ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी असम. आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिला लिया है. किसके लिए, फूड सिक्योरिटी, फार्मर की फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है. टू प्रोवाइड और टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. The agreement aims to strengthen the farmer resilience to the climate change. Okay, agreement का main मकसद क्या है कि ये strengthen करेगा farmer resilience to climate change. Climate change में जो भी farmers इनको face करते हैं उनको उनके ऊपर ये ज़्यादा focus करेंगे. Okay, so ये बहुत बड़ा एक initiative लिया गया है from the Odisha government. Odisha government has joined the hands with World Food Program to improve the food security of farmer. B will be the answer of this question.
So that's it for today's video analysis. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.